नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। सरकार में फ्लोर टेस्ट से पहले कई सारे हंगामे हुए। फ्लोर टेस्ट से पहले कहा जा रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष जो है विजय सिन्हा वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन फ्लोर टेस्ट से कुछ समय पहले ही उन्होंने इस्तीफा देकर चौंका दिया। लेकिन अगर भाजपा पीछे हटी है दो कदम, तो कहते हैं कि शेर अगर दो कदम पीछे हटता है तो झपट्टा मारने के लिए हटता, तो इसी तरीके का कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। और सीबीआई और ईडी जो है लगातार अब बिहार में एक्टिव हो गई है, लेकिन नीतीश के नेताओं पर नहीं, लालू के नेताओं पर। जी हाँ, लेकिन नीतीश कुमार भी जो है अब लालू के समर्थन में खुल करके आ गए हैं। जैसे पिछली बार उन्होंने बीच मझदार में उनका साथ छोड़ दिया था, इस बार वो साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बता दें कि जिस तरीके से बिहार में सियासत में घमासान मचा हुआ है, लगातार जो है सीबीआई की जो वहाँ छापेमारी चल रही है उस पर तमाम जो है राजद के नेता उसका विरोध कर रहे हैं, और अब जो है लालू यादव भी तमतमा उठे हैं। जी हाँ, लालू यादव भी तमतमा उठे हैं, क्योंकि झारखंड से बिहार में पूरी जगह हर जगह ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। यहाँ ताबड़तोड़ छापेमारी से जो है तमाम राजनेताओं की जो है हालत खराब है। देखिए, क्योंकि नेता जो है वो सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं, वो सीबीआई ईडी से, क्योंकि नेता हो और भ्रष्टाचारी ना हो ये बहुत कम ही केस में देखने को मिलता है। संजय राउत जैसे नेता के पास से जब 11 करोड़ का घोटाला निकल करके सामने आ सकता है, तो फिर घोटाले की तो बात नहीं की। तो अब बिहार में सरकार बदल गई है, बिहार से भाजपा चली गई है, तो नीतीश कुमार पर अगर कार्रवाई होती है, नीतीश कुमार के नेताओं पर कार्रवाई होती है, तो फिर सवाल उठने लगेंगे कि आखिर नीतीश कुमार तो पहले भाजपा की सरकार में थे, तब सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ा, और राजद पे छापा डाल करके जो है नीतीश कुमार के मनोबल को जो है वहां पर कमजोर करने का काम कर रही है। तमाम बातें जो है लालू यादव ने कह दी है। लालू यादव कहते हैं कि भाजपा की ये बदले की राजनीति है और ये भाजपा की चाल है। भाजपा जो है इस सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, वो खिसियानी बिल्ली हो गई है और खंभा नोचने का काम कर रही है। तो ये तमाम बयान जो है लालू यादव ने दिए हैं, जिससे अभी भाजपा का भी इस पर कोई विकट बयान नहीं आया है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि भाजपा लालू यादव की इस बयान को किस तरीके से मायने लगाती। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़।